गाड़ी में सर माइलेज कितनी दे रही है आपको? ये एक Z8L है, जस्ट मेरे को नींद नहीं आती थी और परेशान रहते थे कि गाड़ी कब आएगी, ये ऑटो भगाओ, तो मेरी वाइफ ने देखो मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे ट्रैवल नहीं करूंगी, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल, मैंने अभी आपको डाला था व्लॉग एक Z4 और Z8L में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अभी अब मैं बुलाया है मैंने तुषार जी को दोबारा से ये बताने के लिए कि भाई उनकी गाड़ी ये जब उन्होंने लिया क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं भाई ये गाड़ी जल्दी लेने के लिए, कैसे कैसे एक्सटेंड हुआ, क्या क्या उनके साथ हुआ। तो वेलकम करते हैं तुषार गुप्ता जी को और पूछते हैं भाई उनकी आप भी थी। तो फ्रेंड्स लेट्स वेलकम मिस्टर तुषार गुप्ता। मैंने एक्चुअली ये वाली गाड़ी नहीं बुक करी थी। अच्छा तो सब लोग जब पूरे जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं जब सब लोग अपनी बुकिंग कर रहे थे जुलाई 31 को, तो तब मेरी फैमिली भी मेरी फैमिली में सब लोग लगे हुए थे गाड़ी बुक करने के लिए, एक ही रूम में बैठे हुए कि गाड़ी बुक हो है। पूरी फैमिली मेरे इसीलिए हैंग हुई है साइट, वो इन्होंने हम मालूम पड़ा है साइट क्यों हैंग हुई भैया, चार सब लगे पड़े यार, हम भी सोचते रहे यार हमारी क्यों नहीं हो रही। मेरा शुरू से मन था कि क्योंकि मैं पहले क्रेटा ऑटोमेटिक चलाता था। क्या ऑटोमेटिक? हाँ जी। अच्छा तो बट फिर मैंने 6 साल चलाई उस गाड़ी को, बट उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने मैनुअल चलाई स्कॉर्पियो। ये कौन सी है, मैनुअल है? हाँ जी। आप ऑटोमेटिक से मैनुअल में आ गए? हाँ जी भाई, पहला आदमी देखा है मैंने तो तुषार गुप्ता जी। लोग तो यार का मैनुअल से ऑटोमेटिक पे आते हैं, करेक्ट, पूछेंगे वो भी आपसे? बिल्कुल। तो इनफैक्ट सभी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेंबर ने सब काफी ने बिल्कुल सब लोग शॉक थे, जैसे आपका रिएक्शन है वही वैसे ही सबका रिएक्शन था, और काफी मुझे मना कर रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे और इतनी बड़ी गाड़ी है। बट देन जब इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह ली और जो मुझे कंफर्ट लगा गाड़ी चलाने के बाद मैनुअल का, मुझे लगा नहीं कि एक्चुअली इसका स्टीयरिंग इतना लाइट है और क्लच इतना स्मूथ है। सर ऐसा पर ऐसा पहले बताओ, गाड़ी उस दिन आपकी बुक हुई नहीं हुई ये बताओ मुझे, उस दिन जिस पर लगे पड़े थे। हाँ सॉरी, यस, तो मेरी गाड़ी उस दिन बुक हो गई फाइनल, हो गई, बट मेरी Z8 मेरी सिस्टर इन लॉ की आईडी से बुक हुई। अच्छा मतलब वो पेमेंट से चलेगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगा था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, हमें लगा अरे बुक हो गई तो हो गया भाई। बट उसके बाद जब ईमेल कॉन्फर्मेशन, जब थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा सिंक इन होने लगा, जब देखा कि ईमेल वगैरह आया, फिर उस पे लिखा हुआ था कि दैट द प्राइसेस विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उस पे इंट्रोडक्टरी नहीं लिखा हुआ था, तो कुछ उस समय समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो फिर थोड़ा देर में और थोड़ा सिंक इन हुआ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद लगा कि दैट क्लियरली मींस कि हम 25,000 में हमारा नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, बट आई एम ग्लैड कि जो भी वो एक लैग आया था और वेबसाइट जो उनकी क्रैश कर गई थी, उसके बाद जैसे इतना प्रॉम्प्टली महिंद्रा ने उसको फिक्स करा, और उसके बाद जो उन्होंने जो करेक्शंस करी, और मेरे को मेरा कॉन्फर्मेशन आया लाइक अदर्स कि इंट्रोडक्टरी प्राइस पे मेरे को Z8 जो मैंने उस समय टारगेट किया था Z8 मैनुअल पेट्रोल बुक हो गई। बुक हो गई। ये कौन सी है? ये एक Z8L है। बुक 8 की ले ली L, ये क्या कहानी है? तो जब सितंबर में सबको गाड़ी मिलनी शुरू हुई, उससे पहले से एक्साइटमेंट थी गाड़ी की, और लाइक एनी कार एंथुसियास्ट मेरे को नींद नहीं आती थी और परेशान रहते थे कि गाड़ी कब आएगी, बाहर जब सड़कों पे देखते थे गाड़ी तो एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती थी, अगर ऑटो में जा रहा हूँ तो ऑटो वाले भैया बोलते सबके साथ ये गाड़ी भगाओ, ये ऑटो भगाओ, तो मेरी वाइफ ने देखो मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा ट्रैवल नहीं करूंगी, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। एवरी वीकेंड मैं सोचता था कुछ और गाड़ी ले लूँ या कुछ ये ले लूँ, तो मुझे ना ऐसा थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था। तो इवेंचुअली हमने डिसाइड करा दैट विल गो फॉर द टॉप मॉडल। अच्छा, जल्दी लेने के चक्कर में? जल्दी लेने के चक्कर, क्योंकि Z8 ही मिल रही थी। उसकी डेट क्या थी Z8 की जो आपको आई थी? मेरे को हुई थी Z8 की मार्च। अच्छा मार्च 2023 में मिलेगी, 23 जो अभी तक आया, जो अभी तक भी नहीं आया। हाँ जी। पर आपसे रुका नहीं गया? बट मेरे से बहुत लोग हैं सर, हमसे रुका नहीं जा रहा था। बिल्कुल, बट हाँ, बट मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का। तो हमने एक दिन डिसाइड करा कि वी शुड गो फॉर द टॉप मॉडल, तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है चलो तुम्हारा इतना मन है तो ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट, भाई ऐसी भाई भगवान सबको दे यार मेरे को ये पता था कि काफी लोग कैंसिल कर रहे हैं जो कि टॉप मॉडल नहीं ले पा रहे हैं फॉर XYZ रीजंस, ये मुझे ये पता था कि कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा कलर लेना है। तो मैंने पूरा दिल्ली NCR और पूरे नॉर्थ में मैंने काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट करना शुरू किया शोरूम्स पे, और पूछा कि अगर ये वाला टॉप मॉडल इस वेरिएंट पे और ये कलर में अवेलेबल है। तो आपने काफी मेहनत की गाड़ी लेने के लिए? हाँ, बट आई वुड से मेरे को ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा मेहनत, मेरे को ये लगा कि फ्राइडे, और मेरे को एक्चुअली 3 दिन लगे बिफोर आई गॉट द कॉल कि ये वाला वेरिएंट एक शोरूम पे अवेलेबल है। तो ये कलर क्यों लिया आपने? मुझे ब्लैक लग रहा है खड़ा हुआ सामने ऐसा।
है, लेकिन ये कौन सा कलर कौन सा है? ये फॉरेस्ट ग्रीन, बट मैं इसको कहता हूँ मिलिट्री ग्रीन, एंड विद द ओनली रीजन इतना ज्यादा हमें एक्चुअली इंक्लिनेशन है बिकॉज मेरे फादर ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है, तो हमारी पूरी डिफेंस की फैमिली है. यस, ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट है इस ग्रीन कलर के साथ. नवम्बर में अपनी एंड में स्टार्ट करी थी हंट फॉर द टॉप मॉडल, एंड देन दिसंबर 4th को मेरे को डिलीवरी मिल गई. तो सर एक बात बताओ, बाजार में इतनी सारी गाड़ियां, आप तो वैसे भी इतनी अच्छी कंपनी में कॉर्पोरेट में काम करते हो, ये सब स्कॉर्पियो क्यों ले लिया आपने? तो मेरे काफ़ी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरे साथ जो काम भी करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से बहुत बड़े कार एंथुजियास्ट हैं, तो बेसिकली मेरी जर्नी में उनका भी बहुत, वो भी पूरा पूरी तरह से इन्वॉल्व थे. उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड करा, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आवर्स हमने इन्वेस्ट करे कि टू डिसाइड ऑन कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए. जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्रेटा नहीं चलानी है और मेरे को नई गाड़ी पे अपग्रेड करना है, तो पहले मैंने 700 बुक करी थी. अच्छा जी, राइट. उससे पहले मैंने सारी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ, मैंने टाटा सफारी, हैरियर, ये सारी गाड़ियाँ मैंने काफ़ी चलाई हैं. ठीक है. और बट जब उसके बाद जब मैंने 700 चलाई, मेरे को डेफिनेटली वो अच्छी लगी, बट उसके बाद जब फर्स्ट टाइम जब उसकी ग्लिम्स देखी थी गाड़ी की, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मेरे को इम्प्रेस कर गई थी. तो आप कह रहे हो आपने इस गाड़ी के लिए सफारी छोड़ दी, हैरियर छोड़ दी, एक्सयूवी 700 छोड़ दी, क्रेटा छोड़ दी. क्रेटा भी छोड़ दी, करेक्ट. अल्काज़ार देखी थी? अल्काज़ार नहीं, मेरे को उसकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा ग्रेट इतनी लुक्स मुझे कभी भी इतनी अच्छी नहीं लगी. आप जैसा आदमी, मतलब सिटी में रहने वाला आदमी, इतनी कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला आदमी भी स्कॉर्पियो पे आ गया, ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा. तो मैं इसको क्या, ऐसी क्या है लुक इस गाड़ी में? बिकॉज इट इज नॉट अ कार, इट इज एन इमोशन. नहीं, लुक स्कॉर्पियो तो कौन रखते हैं पता आपको? लड़ाई का लठ बजाने वाले लगते हैं. नहीं, मैं मतलब जो उसकी अपीयरेंस है और जो उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जो बिल्ड क्वालिटी है, तो इसीलिए एक्चुअली मैंने ना काफ़ी गाड़ियाँ, मैंने स्कोडा कुशाक, और मैंने फॉक्स वैगन, यस यस, तो मैंने ये सारी गाड़ियाँ मैंने सारी अपने घर पे बुलाई थी, ये सब मैंने टेस्ट ड्राइव मैंने, तो जो मेरा जर्नी था वो पूरे एक साल में, पिछले एक साल से हंट कर रहा था. अच्छा 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 अच्छा. तो मेरा एक बार मन भी किया था कि मेरे को स्कोडा की कुशाक भी बहुत पसंद आ रही, तो वही मैं, जो मेरे फ्रेंड है और मेरी वाइफ, तो इन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करा, अंडरस्टैंडिंग की भाई आप क्रेटा से अपग्रेड कर रहे हो तो आप एक मिड साइज उसमें नहीं वापस जा सकते, इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ एसयूवी. तो इतनी बड़ी गाड़ी आपको चलाना दिक्कत नहीं होती इसमें? इसीलिए ये एक्चुअली लगती इतनी बड़ी है, बट जो ड्राइव इतनी ज्यादा इसकी कंफर्टेबल है, स्टेयरिंग इतना कंफर्टेबल है कि इट एक्चुअली लगती है एसयूवी, बट यू फील सो कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ड्राइविंग द कार दैट इट जस्ट इट्स एक्सट्रीमली इजी. मेरी मदर ने भी, मेरी उन्होंने भी चला के देखी थी, एंड शी वाज आल्सो सुपर इम्प्रेस्ड. देखो भी आप सोचते हो, कौशिक जी बोलते हैं नहीं, सब बोलते हैं इस गाड़ी को चलाना बहुत ही इजी टू ड्राइव, मतलब मक्खन चलती है. सर आपकी गाड़ी तो मैनुअल है, तो क्या कोई चलाने में कोई गियर नॉब वो भटकते हैं? नहीं, इनफैक्ट मैं नहीं, मेरे क्लच, तो कुछ क्लच, हाँ काफी लोगों ने, मतलब शुरू में जब बाकी लोगों को गाड़ी मिली थी तो काफी लोगों ने कुछ कुछ रिपोर्ट किया था कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि एक मैकेनिकल चीज है ये, और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, है दिक्कत क्लच दबाने में, बट मेरे को कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग है. इनफैक्ट विद टू फिंगर्स आई एम एबल टू चेंज द गियर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई, क्लच बहुत ज्यादा स्मूथ है, और कोई प्रॉब्लम नहीं. इतनी बड़ी गाड़ी, और इनफैक्ट मतलब क्रेटा ऑटोमेटिक से एक आप मैनुअल में जाना बहुत बड़ा एक डिसीजन था, बट मैंने अभी दिसंबर में राजस्थान का ट्रिप किया था विच वॉज अ बिग सक्सेस. 2200 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया था, और अक्रॉस 8 days मैंने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर पूरा कवर किया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. और पूरा मजा आ गया इस गाड़ी. वो गए थे, वो गए थे सम से लेके तनोट माता मंदिर. हाँ जी, वो जो बहुत ब्यूटीफुल सड़क है. हाँ, तो वो लगता नहीं आप इंडिया में हो. हमने 350 किलोमीटर एक दिन में करा था, लोंगे वाला. तो वो भी बहुत ज्यादा, मतलब हमें था कि मिलना था, मतलब वहाँ जाना था, क्योंकि ऑब्वियसली फादर आर्मी में थे, तो वो एक बढ़िया जगह जहाँ सबको जाना चाहिए एक बार. बिल्कुल, डेफिनेटली. सर गाड़ी के बैक के बारे में बताओ ना, लोग कहते हैं कि बैक ऐसी है, बैक वैसी है, कोई कहता है वैगन आ रहा है, कोई कहता है लैंड रोवर है, क्या बताओ सर कुछ? वही है बोलने, अब एक्चुअली जिसको अब वो बोलने वाले काफी बोलते भी हैं कि है, बट आई थिंक वो वही है कि उनको तो आप कुछ बोल सर, लेकिन गजब है लुक यार. बट जो लुक्स है ऑब्वियसली दैट इज सुपर अमेजिंग. इतनी बड़ी गाड़ी, इस तरह आपकी गाड़ी लग गई क्या कहां पर? ये ला,
हाँ ये वाला मेरे एक बार किसी ऑटो वाले ने इस पे करा था, बट इम्पैक्ट काफी था, बट जो उसमें दिख रहा है बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी को सर 5-star रेटिंग मिली है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? जो क्वालिटी है मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मैं कभी भी या मेरी वाइफ कभी भी एक बार भी दरवाजा बंद कर ही नहीं पाते, तो वो दैट इज अ टेस्टिमनी कि गाड़ी की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, इतने बड़े, इतने इसके थिक, इसके जो डोर्स हैं कि आप एक बार में कभी दरवाजा बंद ही नहीं कर पाते हो। मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाई थी जब, तो वो भी मतलब थोड़ा सा घबरा रहे थे जोर के बंद करने। मैंने कहा था जोर के बंद करके देखो, आप थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सर आपकी गाड़ी में कितने एयरबैग्स हैं? 6 एयरबैग है सर। आपने 6-seater लिए? हाँ। तो 7-seater या मिली यही आपको? नहीं बट सच ही बोला यार, 7-seater ढूंढ रहा था पर ये मिली, मैं कहता ये ले लो। मेरे कभी भी जो क्राइटेरिया में कभी भी मेरा था नहीं कि मुझे 7-seater के लिए जाना, कभी सोचा भी नहीं था मैंने 6-seater भी सोचा, क्योंकि मुझे हाँ कभी था भी, जबकि ये तो एक्सपेंसिव है। 6-seater इज मोर एक्सपेंसिव देन 7-seater, 20-30,000 का फर्क है ना। हाँ, अराउंड 15, क्योंकि में बहुत फर्क रहता है, थोड़ी रिक्लाइन ज्यादा होती है। हाँ, और आपके जो कंफर्ट होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपके यहाँ पर जो कुशनिंग आती है वो बेंच में नहीं आ पाती है आपके, वो फ्लैट रहता है बेंच। जी जी। तो उस वजह से, तो ये लॉन्ग, अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स फैमिलीज वगैरह हैं तो उसमें उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। मेरे इन लॉज थे जो अभी हमने पूरे मेरे इन लॉज के साथ ही रोड ट्रिप किया था ये राजस्थान का, एंड दोनों को बहुत ज्यादा, चार लोग हाँ मेरी वाइफ मेरे इन लॉज, चार तो कंफर्टेबल है और बहुत ही उनको कंफर्टेबल। पीछे का बताओ ना, पीछे हमने इसमें इसको थर्ड रो को फ्लैट कर दिया था। अच्छा। और पूरा सामान हमारा इजीली आ गया था। कभी दो लोग बैठे हैं पीछे? दो लोग, हाँ इसमें दो लोग, बच्चे अभी कभी तो, कभी बच्चे, मेरे बच्चे। जो नेफ्यू और नीस है वो कभी बैठ गए हैं, बट ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्ग रन, उसमें लॉन्ग टूर्स वगैरह में अगर आपको उनके साथ ट्रैवल करना है थर्ड रो आपके साथ, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। दिक्कत क्या गाड़ी में बताओ मेरे को? कुछ तो प्रॉब्लम हर गाड़ी में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। मेरे को तो पता है, आप बताओ। हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया, तो थर्ड रो का थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जब वो अप होती है उसके बाद थोड़ा सा कम स्पेस रहता है, बट मैं उसको जो फोल्ड करते हैं ना दिखाना सर, आप सही कह रहे हो, जब इसमें हम इसमें सामान डालते हैं तो थोड़ा सा ये, वैसे ये सब अच्छा नहीं है गड्ढा जो आपने कवर भी लिया है। हाँ, अरे वाह सर वाह, लेते आदमी पर यूज कभी नहीं करता। नहीं नहीं, बट मैंने वो बताया ना, तो मेरे वो जो केयर टेकर है वो मुझे फोन कर देते हैं, तो मैं वहां से गाड़ी खोल देता हूं, तो वो अपना भी हटा दे चढ़ा दे। तो ये अच्छा है सर, ये जो गड्ढा बना रखा है मुझे अच्छा लगा, इसमें कुछ सामान आ जाता है। आपने मैट लगाया आपको? नहीं नहीं, हाँ मतलब मैं उनसे लगवाया ना, तो ये सामान डाल दो उसमें तो ये गिरता नहीं है, ये तो अच्छी चीज है बिल्कुल। हाँ, और जब इसको फोल्ड करते हो तो ये थोड़ी जगह सर कम खा, थोड़ी सीट खा जाती है ना, थोड़ी सी, ज्यादा इतना मुझे कभी इतना ज्यादा लगा नहीं ऑनेस्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई इन टर्म्स ऑफ स्पेस। यूएसबी चार्जर कहाँ का है दिखाओ ना, मुझे लगा सर बड़े मॉडल में ज्यादा आती है। कितने सर आप फोन चार्ज कर सकते हैं इसमें? आप इसमें फास्ट चार्जिंग है। हाँ, ये दो है यहाँ पर, दो हैं ये तो ठीक है सर। इसके अलावा कहाँ का है? और एक पीछे है यहाँ पर। पीछे कौन सा है? यूएसबी है, कौन सा है? सी टाइप है। नहीं, सी टाइप ठीक है सर, सब में यही आ रहा है। हाँ। तो आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं। तो Z8 अगर ऑटोमेटिक हो तब भी यही है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। अच्छा, इस पे भैया महिंद्रा ने कोई काम नहीं किया, ध्यान रखना। Z4 में भी वहीं पे दो हैं, Z8L में भी है, ये भी है, और 12 वोल्ट का सॉकेट सर आगे है कहीं? पीछे है। आगे नहीं है? नहीं भैया, इसमें भी वही सेम इशू है। आज मेरा क्लियर हो गया है, मुझे सर तब तक डाउट था कि शायद इन्होंने यूएसबी चार्जर जो आपका ये दिया है यहाँ पे, ये दिया है ये वाला, शायद ये आगे भी दिया होगा, पर नहीं, इस गाड़ी में भी सर ये यहीं पर है। और सर एक बात बताओ, इसमें टायर कितने इंच के आते हैं? Z8L ध्यान रखना भैया, मैनुअल। ये 17 इंच के जो कंपनी प्रोवाइड करती है अलॉयज और आपके टायर्स, जैसे ही आप उसको अपग्रेड करते हो ऑटोमेटिक में, तो आपको 18 इंच के मिलते हैं। Z8L ऑटोमेटिक के अंदर R18 है भैया, ये आज मेरा भी क्लियरिटी होगी, मुझे क्लियर था पर बहुत लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे थे, इसमें भैया देख लो R17 ही है, राइट सर? राइट। मैनुअल में आपको Z8L के अंदर 17 इंच ही मिलेगा। हाँ। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो एक डिफरेंस ये आता है कि आपको 18 इंच पे अपग्रेड मिलेगा, और आपको अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो Z8L के अंदर, हाँ, आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। इसमें वायरलेस नहीं है? इसमें वायरलेस नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना, जो Z8L ऑटोमेटिक लोगे तो एक तो ये फर्क हो गया, दूसरा वायरलेस चार्जर हो गया, और बस यही फर्क, मोटा मोटा ही ना। हाँ जी। तो 2 lakh रुपए में कितना फर्क, तो 2 lakh रुपए का? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक भी तो है भाई। ऑटोमेटिक नहीं 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 सर, सबसे बड़ा ट्रांस। हाँ, सिर्फ डोर वाइजर आपने बाहर से लगवाए हैं? नहीं, मतलब क्रोम जो है, जो ये दो है वो मतलब ऑब्वियसली आपको आपने लगवाया है, पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज है वो, पेड किया है? हाँ हाँ भैया, सॉरी एक्स्ट्रा पे किया है, कितना पे किया सर?
ये मेरे को 25,000 तो 25,000 में क्या क्या मिला? तो जो क्रोम ट्रीटमेंट है बाहर का वो है, ये सब एक्स्ट्रा है? सब एक्स्ट्रा है। अच्छा भैया, सॉरी सॉरी, ये सब एक्स्ट्रा है भैया, देख लेना 25,000 में। तो 25,000 और इल्यूमिनेटेड आपकी स्कफ प्लेटिंग है 25,000। अच्छा, 25,000 रुपीस भाई ने पे किए हैं। शायद उन्होंने ये भी लिए हैं भैया, मैट भी लिए हैं और मड गार्ड भी लिया होगा, ये भी लिया है और ये चीज भी आप जो देख रहे हैं सारा एक्स्ट्रा है, डोर वाइजर भी एक्स्ट्रा है। तो 22.5 + 25 kg है, 22.5 में मेरा 20 ये भी। अच्छा, 22.5 लाख में, 22,50,000 में ये एसेसरीज भी इंक्लूडेड हैं। और सर बताओ, ऐसा कोई चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर के साथ जो ये खरीदना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज? यार ये क्लिक कर गया मेरे को बस। अगर आपको, अगर आपने ये गाड़ी एक बार चला ली, आपको दूसरी गाड़ियों में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो आप हमारे, हम आपकी गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जितने भी मार्केट में दूसरी गाड़ियां हैं, दिस इज वन आई वुड से रेवोल्यूशन, जो जब से 700 आई है उसके बाद से, मतलब मुझे दूसरी गाड़ियां बिल्कुल, चाहे क्वालिटी वाइज जो जैसे फॉक्सवैगन आपकी है और स्कोडा वगैरह है, डेफिनेटली उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, इट इज़ अनमैचेबल। सर, इतनी गाड़ी, बड़ी गाड़ी अगर स्कोडा की होती या फॉक्सवैगन की होती तो मुझे लगता है वो 30-30 लाख से कम देते आपको। नहीं, आई थिंक वो से ज्यादा ही होती, ज्यादा टोयोटा भी लाती है तो वो भी 35 लाख रुपए मांगती है। डेफिनेटली ये बहुत कम बजट में है सर, 20 लाख रुपए में ऐसी गाड़ी कहाँ मिल रही है, बट इस प्राइस रेंज में ये पावर स्पेक्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। बिल्कुल सही कह रहे, और भी पेट्रोल के अंदर 4x4 नहीं आता, अब ये ध्यान रखना, पेट्रोल में नहीं आता। अब एक बात और पूछते हैं भाई से कि क्या इसमें कोई मोड्स भी हैं? नहीं, पेट्रोल में कोई मोड्स नहीं है। मैंने कई बार बताया था, आज हम सुनते हैं गुप्ता जी के मुंह से, इसमें पेट्रोल में कोई मोड नहीं आता है, डीजल में जिप जैप जूम और दूसरे मोड, 4x4 भी आपका उसे मिलता है। तो आई थिंक हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। ये फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया भैया, ये सारे इन भाई जी को LED मिले हुए हैं, लो बीम भी, हाई बीम भी, और ये जितना भी आप देख रहे हैं क्रोम, ये विद इन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है Z8L में। ये फॉग लैम्प भी, ये DRLs भी, ये फ्रंट जो इसकी देख रहे हैं, जो स्किड प्लेट भी देख रहे हैं आप जो सिल्वर में है, जो बैक साइड पे Z8L में आपको मिलता ही मिलता है। इंजन वही है, इंजन में कोई चेंज नहीं है, पावर में कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। सर माइलेज तो बता दो। अरे भाई अल्टीमेट क्वेश्चन रह गया, गाड़ी में सर माइलेज कितनी दे रही है आपको? तो मैंने अभी जब जनवरी में मैंने राजस्थान का भी एक ट्रिप किया था, अलवर और मैंने भरतपुर अभी कवर किया था, तो उसमें मेरे को एवरेज आई है 11.5 की। ओके, यानी कि हमारी स्कॉर्पियो एन आपको हाईवे प्लस सिटी मिला के 11.5 की माइलेज दे रही है। विदेशी चलाई होगा? हाँ जी। ओके, सारे भैया देखो, ये जेन्युइन फीडबैक दिया है तुषार जी ने, थैंक यू वेरी मच तुषार जी, क्योंकि इस ब्लॉग के लिए, इस इनपुट के लिए हर आदमी वेट कर रहा था। तो 11.5-12 के बीच में आपको मिल रही है माइलेज, टैंक टू टैंक पूरा कैलकुलेट करके मैंने ये निकाला। और सर सिटी में कितना देती हो जो भीड़ भाड़ चलते हो आप? तो जब सिटी में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 के बीच में देती है। तो 9 और 10 कह रहे हैं, लेकिन ये हर आदमी के ड्राइविंग पे होता है। अच्छा, हो सकता है कि तुषार जी एक्सलेट जोर से ना करते हो, स्मूदली करते हो तो माइलेज बढ़ जाती है। गाड़ी में बैठते जो पंजा एक्सलेट करता है तो माइलेज कम हो जाती है। सर क्रूज भी है इसमें? हाँ, क्रूज कंट्रोल भी है, बहुत इजी है, बहुत यूज करते हो? हाँ, कभी कभार। कैमरा आगे भी है, कैमरा पीछे भी है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि हमारे इनपुट अच्छे लगे होंगे। और सर हम कोई पॉइंट भूल तो नहीं रहे? सर्विस कराई है अभी? सर्विस रह गई, सर्विस हो गई है, हो गई है वो? हाँ, तो सब ऐसे फ्री हुई होगी? हाँ, वो फ्री होगी, एक चेक कराया था। बट हाँ, एक चीज था जो कि मैं डेफिनेटली मुझे एक हाईलाइट करनी है महिंद्रा की सर्विस के लिए, कि कहीं मिथ होते हैं कि ठीक नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम आई तो ढंग से नहीं हुआ। तो मेरे को एक आवाज़ आ रही थी जो शुरू से मेरे को थोड़ी सी आ रही थी यहाँ पर, एक कोई जब भी मैं किसी गड्ढे में से। अच्छा, कहाँ आ रही थी? याद नहीं आ रही? नहीं नहीं। अच्छा यार, अच्छा ओके। तो मुझे वो लग रहा था कि कहीं शॉकर्स में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जब भी गड्ढे में जाती थी आवाज़ आती थी। और फॉर एनीवन हु इज़ अ ड्राइविंग एंथुजियास्ट, और अगर थोड़े से उनके कान सेंसिटिव है मेरे जैसे, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो वो मेरे को हमेशा काफ़ी टाइम से आ रही थी, और इनफैक्ट ये चीज़ मेरे जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने ये मुझे नोटिस करके बताया कि यहाँ पर आपके सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये। फिर? तो मुझे बहुत बड़े इरिटेशन हुई, बट एक बार भी मेरे को सर्विस स्टेशन उन्होंने ये नहीं बोला, कि उन्होंने एक्नॉलेज करा कि आ रही है। और इनफैक्ट जो उनके जो रोड टेस्टर्स होते हैं, जो उनके थे, उन्होंने बोला
सर आ रही है और जब तक ये ठीक नहीं करूंगा ना मैं प्रॉब्लम, तब तक हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। बड़ी अच्छी बात है, सीधा साफ बोल दिया मुंह पे कि आपको जाने नहीं देंगे। दो से तीन घंटे लगे हमें, बट उनको प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। एक नट था यहाँ पर जो कि ढंग से सेट नहीं हुआ था और उसके वजह से वो प्रॉब्लम आई। देखो प्रॉब्लम तो आ सकती है, बट ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इसको सीरियसली लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने गाड़ियाँ रिकॉल करी थी जहाँ पर उनको क्लच का कुछ इशू, उन्होंने असेंबली लाइन में कुछ इन्होंने आइडेंटिफाई किया था और काफी गाड़ियाँ मैनुअल की रिकॉल, मैनुअल वाली की थी भैया, ऑटोमेटिक वाली नहीं की थी, नहीं करी थी। तो जैसे ही उन्होंने जॉब कार्ड खोला था उस पर पॉपअप आ गया था कि ये अच्छा उनके वहाँ पर सर्विस उसपे रिकॉर्ड उसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने बोला कि सर हमने वो भी आपका ठीक कर दिया साथ साथ ही, तो उसमें भी कोई मतलब चैलेंज नहीं। वेरी गुड। एक्सटेंडेड वारंटी लिया आपने इस गाड़ी की? लिए कितना पे किया? फोर्थ ईयर की ली होगी, फोर्थ और फिफ्थ दोनों। फिर तो कितना पे किया आपने? अप्रॉक्सिमेटली 30 वन ईयर की 17 आती है। तो ऑलमोस्ट भैया अब तो हमारा आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो गया है, और अगर कोई एक आधा पॉइंट रह गया हो भैया तो हम अभी दोबारा बना देंगे। और तो फिर थैंक यू गुप्ता जी, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। हाँ लेकिन मैं अभी इनकी गाड़ी चला के देखूंगा और देखूंगा कि भैया मैनुअल Z8L चलाने का कैसा मजा आता है और कोशिश करूंगा कि एक राउंड भाई से भी अपनी गाड़ी का मरवा लूं कि भाई एक बार ये भी मेरी गाड़ी को चला के। ऑटोमेटिक मैंने बहुत चलाई है, अच्छी लगती है। हाँ ऑटोमेटिक डेफिनेटली। चलो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत। तो सर हम चलाएंगे गाड़ी आपकी है? बिल्कुल ठीक है सर, आप चलाइए मैनुअल। अब बन जाइए हमारे आप थोड़ी देर के लिए कैमरामैन। तो फ्रेंड लेट्स रॉक। तो फ्रेंड चढ़ने का सिस्टम इसमें वही है भाई, चढ़ना इसमें भी ऐसे ही पड़ता है ऐसे। आह